नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूँ डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जोधपुर। दोस्तों, आज मैं आपको क्लोथिंग टेक्सटाइल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछ रही हूँ और आप इन प्रश्नों का जवाब दीजिए, बताइए कि ये कितने हद तक सही है ना। चलिए, पहला प्रश्न है, कपास का रेशा छोटा होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से उससे लंबे धागे तैयार किए जाते हैं, उसका क्या कारण है? कारण पर बताइए आप, बोलो। कपास का रेशा छोटा होने के बावजूद भी बट लिया जाता है और उससे लंबे धागे तैयार किए जाते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों उसे लंबे धागे तैयार होते हैं? प्रत्यास्थता के कारण, प्रतिस्कंदता के कारण, या परिवलन के कारण, या पॉकेट के कारण, क्या कारण है कि कपास का रेशा छोटा होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से बट लिया जाता है? कारण बताओ, कारण क्या है? करेक्ट आंसर, परिवलन, कन्वल्सन्स के कारण, उसमें कन्वल्सन्स की संख्या अधिक होती है। इसी कारण आप देखते हो कि जब आप कपास के रेशे से रुई की बत्ती बनाते हो, है ना, तब वो कहीं मोटा हो जाता है, कहीं पतला हो जाता है, तो थोड़ी सी रुई इसमें चिपकाते हो और बड़ा सा जैसा आप चाहते हो वैसा आकार का आपका बन जाता है, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, फादर ऑफ रेयन किसे कहा जाता है? फादर ऑफ रेयन किसे कहते हैं? वो कौन थे जिन्हें फादर ऑफ रेयन कहा जाता है? वो थे काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। वो कौन थे? वो थे काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। ठीक है, 1884 में इन्होंने सबसे पहले रेयन बनाया था और इन्होंने जो रेयन तैयार किया था वो रेयन बना था नाइट्रोसेलुलोज। अभी मैंने क्वेश्चन पिछले वीडियो में पूछा था कि नाइट्रोसेलुलोज विधि से अब रेयन का निर्माण क्यों नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो यही था, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये विधि महंगी है। इसमें कपास की पट्टियों को सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाते हैं, नाइट्रोसेलुलोज बनता है। ठीक है, तो इसके पिता फादर ऑफ रेयन के जो है ना फादर ऑफ रेयन कहलाता है काउंट हिलेरी डी चार्डोनेट। उन्होंने 1884 ईस्वी में रेयन का निर्माण किया था, वो एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ कि उप्रामोनियम विधि से रेयन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? क्यूप्रामोनियम विधि से रेयन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, बताओ? क्यूप्रामोनियम विधि से रेयन का निर्माण किया था वो थे एलएस देसपीजस। कौन थे? एलएच देसपीजस। रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है क्योंकि इसकी सूक्ष्मता, इसकी बारीकी, इसका ऐश्वर्य, इसकी सुंदरता अनोखा और अद्भुत होता है। सिल्क से मेलजोल खाता है, इसीलिए आज हम
जब हम रेशम के कपड़े खरीदने जाते हैं, सिल्क की साड़ी खरीदने जाते हैं, तो ठगे जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। और इसमें एक दूसरे को क्या बताऊँ, मेरी खुद की बेटी रेशम कही, मम्मी मैं आपके लिए रेशम की साड़ी लाई और महंगी साड़ी लाई है। जब मैंने उसे देखा तो कहा कि बेटा ये रेशम नहीं है, ये रेयोन है। बोले आपको कैसे पता, क्या पहचान है रेशम और रेयोन की? मैंने उनको बताया कि बेटा दोनों में जो सुंदरता है, ऐश्वर्य है, सूक्ष्मता है, बारीकी है, अलौकिकता है, एक जैसे रेयोन मैन मेड है, जो कपास के लिंटर से बनते हैं, बांस की लुगदी से बनते हैं। इसको जब जला के देखोगी, इसमें जो खुशबू आएगा वो कागज़ जलने जैसे आएगा। और रेशम का जो रेशा है वह जांतव प्राणी से बना है, एनिमल फाइबर है। और जहाँ एनिमल फाइबर होगा बेटा, तो उसके रेशे को अगर आप जलाओगे तो उसमें से बालों के जलने जैसी गंध आएगी। ये सबसे बड़ी पहचान है। जहाँ पैसे देते हो 5,000, 6,000, 10,000 रुपया, वहाँ आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप जानकारी नहीं रखते हो तो आपको ठगे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चलिए, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, विस्कोस रेयोन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? विस्कोस विधि से रेयोन का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? करेक्ट आंसर है क्रॉस, वीवन और पीडन। क्रॉस, वीवन और पीडन ये इंग्लैंड के थे। 1892 ईस्वी में इन्होंने विस्कोस विधि से रेयोन का निर्माण किया और इस विधि से रेयोन का निर्माण सस्ता भी हुआ, सुलभ भी हुआ, लोगों के पहुंच के भीतर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, चलो वो ये है कि रेयोन के रेशा में चमक अधिक होती है। जब रेयोन का रेशा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो उसमें अनोखी चमक होती है, आंखों को चुभने वाली चमक होती है, आपत्तिजनक चमक होती है। उसे कम करने के लिए क्या डालते हैं, उस अनोखी चमक को, चुभने वाली चमक को कम करने के लिए क्या डाला जाता है, बताओ? तो मैं बता दूं, टिटेनियम डाइऑक्साइड उसमें डालते हैं, या मिनरल ऑयल डालते हैं, या गाढ़ा पैराफिन का जो है वह तैयार गाढ़े घोल में डाल देते हैं, जिससे रेयोन का रेशा में जो अनोखी या अद्भुत चमक होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, समझ गया बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हूँ, रेयोन का रेशा गीली अवस्था में कमज़ोर हो जाती है धोने पर, पानी में जाने पर, लेकिन सूखने पर वह अपनी खोई हुई क्षमता को, खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेती है, हाँ या नहीं? क्या करेक्ट आंसर? गीली अवस्था में रेयोन रेशे की मजबूती, जैसा कि मैंने बताया, घट जाती है। कुछ कुछ रेशों में 30%, कुछ में 40% और कुछ में 50% तक घट जाती है। और सूखने पर वह अपनी खोई हुई शक्ति को प्राप्त कर लेती है, हाँ या नहीं? प्राप्त कर लेती है। करेक्ट आंसर हाँ, सूखने पर उतना ही मजबूत हो जाती है, लेकिन गीली अवस्था में वह कमज़ोर रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक प्रत्यास्थता किन रेशों की होती है? प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक प्रत्यास्थता किस रेशों की होती है, बताओ?
बोलो। प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक प्रत्यास्थता किस रेशों की होती है? ऊल की, रेशम की, लिनन की, कपास की, किसकी होती है? प्रत्यास्थता ऊल की होती है। ऊल की प्रत्यास्थता अधिक होती है, प्रतिस्कंदता भी अधिक होती है और प्रतिधारण क्षमता भी इसकी 30% तक होती है। गीली अवस्था में रेशम का रेशा भी, ऊन का रेशा भी निर्बल हो जाता है, इसीलिए इसको बहुत नहीं रगड़ना चाहिए। रेशम का रेशा है या ऊन का रेशा है, अगर हम रगड़ रगड़ के धोते हैं, ब्रश से रगड़ रगड़ के धोते हैं, तो उनकी ताकत कम हो जाती है, ठीक है, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, रेशे सिकुड़ जाते हैं। और बाद में अगर तुमने कोई अलकली से धोया, कोई साबुन से धोया, कोई सोडा से धोया, तो मोटे और कड़े हो जाते हैं, समझ। इसलिए इन्हों कभी भी रगड़ करके ब्रश से या ऐसे खींच खींच करके नहीं धोना चाहिए। जैसे अपन कई बार क्या होता है, खींच खींच के ऐसे ऐसे करके धोते हैं, ऐसे नहीं धोना है अपने को। अपने को जैसे आटा गूंदते हैं, है ना, इस स्थिति से, आटा गूंदने वाली स्थिति से दबा दबा करके धोना चाहिए, ठीक है। ये बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। उत्तम कोटि के ऊन में रेशों, उत्तम कोटि के ऊन के रेशों में शल्कों की संख्या होती है अधिक या कम? उत्तम कोटि के जो ऊन होते हैं उनमें शल्कों की संख्या कम होती है या अधिक होती है, ये बताना है आपको। बोलो। अधिक होती है। शल्कों की संख्या 1000 से 4000 प्रति इंच होती है, और शल्कों के किनारे को हम कहते हैं सीरेशंस, दांत कहते हैं हिंदी में, समझे। शल्कों के किनारे को हम सीरेशन कहते हैं। सीरेशन की संख्या कम और निम्न कोटि के ऊन में शल्कों की संख्या कम होती है और सीरेशन की संख्या अधिक होती है। तो आज मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आप तैयारी करना। और फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने की इजाज़त, बाय बाय, नमस्कार।